सितंबर 1986 को आतंकियों की एक टोली बॉम्बे से आने वाली फ्लाइट का कराची में इंतजार कर रही थी। इस फ्लाइट को कराची से होते हुए अमेरिका जाना था। भारत में ये टीचर्स डे का दिन था। पैन अमेरिकन यानी कि पैन एम फ्लाइट में 23 साल की नीरजा भनोट, 12 फ्लाइट अटेंडेंट और 379 पैसेंजर्स के साथ नीरजा के शहर बॉम्बे से निकले थे। ये पहली बार था जब बॉम्बे कराची फ्रैंकफर्ट न्यूयॉर्क रूट पर पैन एम फ्लाइट अपने नए नए ट्रेन किए गए कैबिन क्रू को लेकर उड़ा था। स्कॉटिश ऑर्फनेज हाई स्कूल और सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे से पढ़ाई करने वाली नीरजा सबकी इंचार्ज थी। उन्हें 7 सितंबर तक अपने लौटने का इंतजार था ताकि वो अपना 24वां जन्मदिन अपनों के बीच मना सकें। लेकिन तकदीर ने उनके हिस्से में कुछ और ही लिख डाला था। सूरज की रोशनी कराची एयरपोर्ट पर हल्की हल्की पड़ने लगी थी। इसी वक्त पैन एम 747 जंबो की हवाई अड्डे पर लैंडिंग हुई। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। पैसेंजर्स ने एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग शुरू कर दी थी। यात्री उस घटना से अनजान थे जो अगले कुछ घंटों बाद उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। अगले चंद लम्हों बाद जो हुआ उसे दुनिया पैन एम फ्लाइट 73 हाईजैक के नाम से जानती है। नमस्कार, मैं हूँ समाप्ति और आज के दिन का संबंध बॉम्बे से न्यूयॉर्क की उस फ्लाइट से है जिसे कराची में हाईजैक करने की कोशिश की गई और इसी फ्लाइट में क्रू मेंबर नीरजा भनोट ने मुसाफिरों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। पैसेंजर्स जब फ्लाइट में चढ़ रहे थे तभी एक तेज रफ्तार वैन एयरक्राफ्ट के पास आती है। इस वैन को इस तरह से मॉडिफाई किया गया था ताकि ये कोई एयरपोर्ट सिक्योरिटी व्हीकल लगे। इस वैन में से 4 आतंकी बाहर आते हैं। कराची एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में ये चारों एयरक्राफ्ट की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। इन सभी के पास असॉल्ट राइफल, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड थे और ऐसे बेल्ट भी थे जिन पर बारूद लगा हुआ था। हथियारबंद आतंकियों को सीढ़ियां चढ़ते देख नीरजा भनोट ने तुरंत एक ऐसा काम किया जिसने इस पूरे खेल को पलट दिया। नीरजा ने इंटरकॉम पर पायलट और उसके क्रू को स्पेशल कोड में सब बता दिया। नतीजा ये हुआ कि आतंकियों के कॉकपिट में पहुंचने से पहले ही नीरजा के तुरंत एक्शन लेने और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से पायलट और उनके फ्लाइंग क्रू कॉकपिट में मौजूद इमरजेंसी गेट से निकलने में कामयाब रहे। पैन एम फ्लाइट 73 को कराची और फ्रैंकफर्ट में रुकना था लेकिन 5 सितंबर 1986 को अबू निदाल संगठन के 4 हथियारबंद फिलिस्तीनी आतंकियों ने कराची में बोइंग 747-121 को हाईजैक करने की कोशिश की। आतंकियों का मकसद था साइप्रस और इसराइल की जेलों में कैद फिलिस्तीनी कैदियों को हाईजैक प्लान के दम पर छुड़ाना। सभी किडनैपर्स को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। फ्लाइट में हेड अटेंडेंट नीरजा भनोट की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मरणोपरांत उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तमगाए पाकिस्तान और साथ ही यात्रियों को बचाने के उनकी कोशिशों के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और अब आतंकियों के आगे चुनौती थी कि वो किसके सहारे प्लेन को उड़ाएं। इन 4 आतंकियों की बाद में पहचान जायद हसन अब्द अल लतीफ सफरीनी, जमाल सईद अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल्ला खलील हुसैन और रहायल और मोहम्मद अल मुनव्वर के तौर पर हुई। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने कुछ दूसरे साथियों की भी पहचान की और उन्हें घटना के एक हफ्ते बाद गिरफ्तार किया।
विमान पर नियंत्रण हासिल करने के कुछ ही समय बाद आतंकियों के आका सफरीनी को ये पता चला कि कॉकपिट के सदस्य अब वहां नहीं हैं। इसके बाद उसे अधिकारियों से बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 10 बजे सफरीनी विमान से गुजरा और कीनिया में जन्मे भारतीय रियल्टर राजेश कुमार की सीट पर आया। 29 साल के राजेश हनिंगटन बीच कैलिफोर्निया के निवासी थे। राजेश को हाल में अमेरिकी नागरिकता मिली थी। सफरीनी ने राजेश से कहा कि वो एयरक्राफ्ट में गेट पर आ जाए और घुटनों के बल बैठ जाए। राजेश के दोनों हाथ अब सिर के पीछे थे। सफरीनी ने अधिकारियों के साथ बातचीत की। आतंकवादियों ने पाक सरकार को पायलट देने का हुक्म दिया और कहा कि अगर पायलट नहीं दिया तो वो यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। पाकिस्तानी सरकार ने उनकी मांगों को टालना शुरू किया क्योंकि इससे उन आतंकियों पर नियंत्रण पाने में ज्यादा समय मिल जाता। इसके अलावा अगर वो पायलट दे देते तो आतंकी अपने हिसाब से विमान को कहीं और ले जाते। खास तौर से पैन एम के पाकिस्तान ऑपरेशन प्रमुख विराट दरोगा से कहा कि अगर 30 मिनट के अंदर पायलटों को प्लेन में नहीं भेजा गया तो राजेश को गोली मार दी जाएगी। कुछ ही देर बाद सफरीनी की अधिकारियों से बहस हुई तो वो होश खो बैठा और उसने राजेश को गोली मार दी। इसके बाद सफरीनी ने राजेश को दरवाजे के बाहर जमीन पर फेंक दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार राजेश की सांस तब भी चल रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में एम्बुलेंस में ही उनकी मौत हो गई। सफरीनी अब अंदर आया और फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट, सनशाइन वैशुवाला, माधवी बहुगुणा से कहा कि वो पासपोर्ट इकट्ठा करना शुरू करे। फ्लाइट अटेंडेंट ने ऐसा करना शुरू किया। नीरजा भनोट को अंदेशा था कि अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को खास तौर पर निशाना बनाया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने चालाकी से कुछ अमेरिकन पासपोर्ट्स को एक सीट के नीचे छुपा दिया और कुछ को कूड़ेदान में। विमान में अंधेरा होने के बाद L1 दरवाजे पर एक किडनैपर ने प्रार्थना के शब्द बुदबुदाए। अब उसका अगला कदम दूसरे हाईजैकर की बेल्ट पर लगे एक्सप्लोजिव को शूट करने का था। उसका इरादा सभी यात्रियों के साथ खुद को भी खत्म करने का था। हालांकि निशाना लगने के बाद छोटा ही विस्फोट हुआ। किडनैपर्स ने यात्रियों पर हथियारों से हमला किया और ग्रेनेड फेंकने की भी कोशिश की। नीरजा ने इस बीच इमरजेंसी गेट खोल दिया और कई यात्रियों को वहां से बाहर निकाला। उसी वक्त एक आतंकी की नजर नीरजा पर गई और ये वही वक्त था जब वो 3 बच्चों को बाहर भेज रही थी। आतंकी ने बच्चों पर गोलियां चलाई, लेकिन नीरजा आगे आ गई और गोलियां अपने सीने पर झेली। नीरजा चाहती तो खुद को पहले बचा सकती थी, लेकिन वहां उन्होंने फर्ज के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। नीरजा की स्मृति में मुंबई के घाटकोपर में एक चौराहे का नामकरण किया गया। 90 के दशक में इसका उद्घाटन अमिताभ बच्चन ने किया था। 2016 में बॉलीवुड में नीरजा फिल्म बनी जो इसी सच्ची घटना पर आधारित थी। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। 1798 फ्रांस में अनिवार्य सैन्य सेवा कानून अस्तित्व में आया। 1839 चीन में पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ। 1888 भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ, जिनके जन्म दिवस पर ही हम टीचर्स डे मनाते हैं। 1997 समाज सेविका मदर टेरेसा का निधन हुआ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और एडिटर जी हिंदी के पेज को जरूर फॉलो करें। और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए झरोखा, ओनली ऑन एडिटर जी हिंदी।